डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। असां इंटर जे पहिरें चैप्टर जो स्टार्ट वठूं था, जंहिंमें चैप्टर नंबर 1 जो नालो आहे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। पहिरियों अचूं था उन जे डेफिनेशन जे तरफ़। ग्रुप टुगेदर दोस एलिमेंट्स which are similar in properties separate those which differ from each other is called as periodic क्लासिफिकेशन। पहिरां मीनिंग कयूं था, ग्रुप टुगेदर दोस एलिमेंट्स विच आर सिमिलर। उन्हनि एलिमेंट्स खे गॾु कयो, हिकिड़े ग्रुप में रखो, जेके सिमिलर आहिनि, हिकु जहिड़ा आहिनि इन प्रॉपर्टीज़, ख़ासियतुनि में। सेपरेट दोस, उन्हनि खे अलॻि कयो, विच डिफर फ्राम ईच अदर, जेके हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ आहिनि, is called as, उनखे चइबो आहे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट अव्हांखे बायोलॉजी में मिलंदो, उनमें मुख़्तलिफ़ एनिमल्स, प्लांट्स या जेके किंगडम्स हूंदा, उन्हनि खे सेपरेट कयो वेंदो हूंदो किन ख़ासि प्रॉपर्टीज़ जे बुनियाद ते। आम लाइफ में क्लासिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट असां तव्हांखे सम्झायूं था। लेट सपोज़ जेकॾहिं चइजे त भई हिकिड़ा स्टूडेंट्स आहिनि वॾे कद वारा आहिनि, उन्हनि खे अलॻि कयो ऐं नंढे कद वारनि खे अलॻि कयो। ग्रुपिंग करणी हूंदी कुझु सिमिलरिटीज़ जे बुनियाद ते ऐं उन्हनि खे अलॻि कबो जेके हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ आहिनि। एलिमेंट्स जी बि असां क्लासिफिकेशन कई आहे, उहे एलिमेंट जेके ख़ासियतुनि में हिक जहिड़ा आहिनि उन्हनि खे साॻे ग्रुप में रखिबो, जेके उन्हनि खां मुख़्तलिफ़ आहिनि उन्हनि खे वरी अलॻि ग्रुप में रखिबो, उन्हनि सां वरी उहे रखिबा जिन जूं प्रॉपर्टीज़ उन्हनि सां मैच कंदियूं हुजनि। त इन अमल खे चइबो आहे त इहो अमल क्लासिफिकेशन आहे। सो मां वरी इनखे पढ़ांसि थो, ग्रुप टुगेदर दोस एलिमेंट्स विच आर सिमिलर। उन्हनि एलिमेंट्स खे साॻे ग्रुप में रखंदो जेके हिक जहिड़ा आहिनि इन प्रॉपर्टीज़, ख़ासियतुनि में। सेपरेट दोस विच डिफर फ्राम ईच अदर, जेके हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ आहिनि उन्हनि खे हिक ॿिए खां अलॻि कयो, इज़ कॉल्ड, इन अमल खे तव्हां चवंदा पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। केमिस्ट्री में जेको असांजो शुरूआती कॉन्सेप्ट जेको असांजो बुक खणे थो, उनमें ट्राइड जो ज़िक्र आहे। पहिरियां इन में बुक जेको ज़िक्र करे थो उहो आहे डोब्रिनर्स ट्राइब्स। अच्छा, ट्राइड छाहे, सिंधीअ में त ट्रिको चइबो आहे, असां ट्राइड चवंदा आहियूं ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स खे, टिनि एलिमेंट्स जंहिंमें अहिड़ो ग्रुप जंहिंमें टे एलिमेंट्स हुजनि, जंहिंमें टे एलिमेंट्स हुजनि अहिड़ो ग्रुप उनखे चइबो आहे त उहो ग्रुप ट्राइड आहे। लेट सपोज़ अगरि कंहिं ग्रुप में टे फ्रेंड आहिनि, हिकु ग्रुप आहे टिनि फ्रेंड्स जो, त चइबो इहो ट्राइड आहे। माना अगरि ग्रुप में टे ॼणा हूंदा त उनखे ट्राइड चइबो आहे। अच्छा, डोब्रिनर इहो कॾहिं जो कॉन्सेप्ट आहे तव्हां नोट करे छॾींदव, 1829। छा थो चए डोब्रिनर ट्राइड? एटॉमिक मेस ऑफ मिडिल एलिमेंट विचे अंसर जो एटॉमिक मेस इज़ अर्थमेटिक
मीन अप्रोक्सीमेटली अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज डोमिनेंस राइट. चवे थो तो जो मिडिल एलिमेंट जो जो एटॉमिक मेस आ एटॉमिक मेस ऑफ मिडिल एलिमेंट विचे आंसर जो जो एटॉमिक मेस आ वो छा है वह अर्थमेटिक मीन आहे अदर टू एलिमेंट्स बाकी बिन बिन आंसरन जी इज कॉल्ड इन के चेबो आहे डोब्रिनर ट्राइड. अच्छा एक एग्जांपल खणो था डोब्रिनर जे ट्राइड जे हिसाब सा ही ट्राइड आ असा एक अड़ो ग्रुप लिखंदासी जेमे थ्री एलिमेंट्स हुंदा लेट सपोज लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम. हाँ लाजमी आवे अचे एटॉमिक मेसिस अचन. एटॉमिक मेस लिथियम जो घो है 7 पोटेशियम जो घो है 39. अच्छा सोडियम जो घो है 23. हाँ जो डिस्कशन अच्छा ग्रुप में अस घा रखा 1, 2, 3 अगर ही ग्रुप टिन एलिमेंट्स जो अड़ो ग्रुप जैमें टे एलिमेंट्स तो इन ग्रुप के अं चवंदा यो ग्रुप ट्राइड है. इनमें मिडिल एलिमेंट कड़ो है सोडियम इनमें कड़ो एलिमेंट है सोडियम इनमें मिडिल एलिमेंट आ जैसे एटॉमिक मेस की 23 की ही गाल कर रो है जैमें अस लिखो है अदर टू एलिमेंट्स ये बाकी बया ब आंसर कड़ा इनमें लिथियम है सोडियम है. डोब्रिनर ट्राइड के मुताबिक तो इन मथे हेठे आंसर के एटॉमिक मेस की जैसे अर्थमेटिक मीन वटबी तो वह अप्रोक्सीमेटली लगभग जवाब इंदो एटॉमिक मेस दिस इज एटॉमिक मेस ऑफ मिडिल एलिमेंट. अच्छा वी था दिसो इन जो मेस है 7 मथे जो हेठे जो खणबो पोटेशियम जो घणो है 39 इन जी असि वी है अर्थमेटिक मीन या किं वी इन बिन्हीं के पान में जोड़ कर इन के डिवाइड कबो 2 सा जो जवाब इंदो चवंदासी उन बिन की अर्थमेटिक मीन है 7 में 39 जोड़ कौ 46 थी वो इन 2 सा डिवाइड करो हों 46 के 2 सा डिवाइड कौ तो अवे एटॉमिक मेस मिल मिडिल एलिमेंट जो घो है 23 46 के 2 सा डिवाइड कौ तब जवाब तक मिल 23 जो एटॉमिक मेस आड़े एलिमेंट जो मिडिल एलिमेंट जो. तो वरी रीड था क्यों डोब्रिनर ट्राइड के ग्रुप ही ग्रुप है थ्री एलिमेंट्स जो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स के तहां चवंदा ट्राइड इन के रीड क्यों था एटॉमिक मेस ऑफ मिडिल एलिमेंट इन मिडिल एलिमेंट एटॉमिक मेस की गाल इज अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट बाकी जो बया ब आंसर आन उन्होंने एटॉमिक मेस की अर्थमेटिक मीन वो तो मिडिल एलिमेंट जो एटॉमिक मेस इन इज कॉल्ड इन तवंदा यो इन तवंदा यो डोब्रिनर ट्राइड है. डोब्रिनर ट्राइड बया मुख्तलिफ बुक में दिनल जेके अवां के याद करना हुंदा तो डोब्रिनर पांजी टेबल में कड़न कड़न ट्राइड्स जी गाल कई आहे. इन खां अलावा डोब्रिनर जा कुछ ट्राइड्स आहिन जेके मां लिखा थो तें टाइम में डोब्रिनर जैसे ट्राइड दिना एग्जैक्टली उद करना होंदा मां कुछ ग्रुप्स लिखंदुम ट्राइड्स लिखंदुम उनमें टे टे एलिमेंट्स रखंदुम जेके अवां के डोब्रिनर जी दिना हुआ उन हिसाब से याद करना होंदा. डोब्रिनर इन खां अलावा एकड़ो ट्राइड दिनो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पर ये जो स्टार्ट थी रो है यो क्लोरीन खां थी रो है यो अवां के याद करना होंदो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनमें फ्लोरीन को इनखा अलावा जो ग्रुप 2 की गाल क्यों उनमें अचे तो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम ही बे ट्राइड है ये ग्रुप आ जैमें टे एलिमेंट आन डोब्रिनर के हिसाब से इनमें बेरियम एंड मैग्नीशियम ना है तहां याद कौ तो उनमें हाँ जो अस ग्रुप 2 थी रहा हूँ डोब्रिनर की उनकी स्टार्ट जो है वह कैल्शियम का है. उन खां अलावा भी एकड़ो ट्राइड है वो है आयरन कोबाल्ट निकल.
पुछी सघिजे थो त हेठनि मां सुञाणो त डोब्रिनर फ्लाइट कहिड़ो आहे, जीअं असां लिखिया आहिनि एग्ज़ेक्टली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम आयरन कोबाल्ट निकल, इन खां पहिरियां मूं लिखियो लिथियम ऐं सोडियम ऐं पोटेशियम, इहे एग्ज़ेक्टली उन तरह सां ई अव्हांखे यादि करणा हूंदा। हाणे असां अचूं था प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन जे बारे में। जेको अॻिते जेका मूवमेंट थी आहे उहो बुक जंहिं साइंटिस्ट खे डिस्कस करे थो उनजो नेम आहे न्यू लेंस। हाणे असां अचूं था न्यू लेंस लॉ ऑफ ऑक्टिव्स जे बारे में। इंट्रेस्टिंग आहे जंहिंमें ऑक्टा लफ़्ज़ जी माना आहे एट, माना अठ। न्यूलैंड पंहिंजे लॉ में चवे थो, अच्छा लेकिन न्यूलैंड जे लॉ खे लॉ ऑफ ऑक्टिव चइबो आहे। लॉ ऑफ ऑक्टिव असां न्यूलैंड्स लॉ खे चवंदा आहियूं। हू पंहिंजे लॉ में चवे थो त प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वर सिमिलर हर अठे अंसर की जेका खासियत हुआ, हर अठे अंसर की जेका खासियत आ वह सिमिलर माना सागी हूंदी टू दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट पहिरें अंसर जहिड़ी। न्यूलैंड लॉ जे मुताबिक़ त हर अठे अंसर जी ख़ासियत साॻी हूंदी जीअं पहिरें जी आहे। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। डियर स्टूडेंट्स, न्यूलैंड जे मुताबिक़ त अठे अंसर जी ख़ासियत साॻी थींदी जीअं पहिरें अंसर जी आहे। असांजे बुक में त नाहे लिखियलु, पर असां हिनखे जेकॾहिं मौसीक़ी सां कनेक्ट कयूं त चयो वञे थो त जीअं मौसीक़ीअ में सतों सुर आहे त अठों सुर वरी बिल्कुलु साॻियो हूंदो आहे पहिरें सुर वांगुरु। हीउ उन सां कुझु मैचिंग ॾियण जी कोशिशि करे रहियो आहे। असां वधीक हिन जी डिटेल में अचूं था, हिन जे कुझु एडवांटेजिस ऐं डिसएडवांटेजिस जे बारे में डिस्कस कयूं था, न्यूलैंड लॉ जे एडवांटेजिस ऐं डिसएडवांटेजिस जे बारे में। पर पहिरां इहा क्लियर कंदा हलूं त हुनजी क्लासिफिकेशन जो बुनियादु छा हो, असां क्लियर था कयूं। तव्हांखे यादि करणो पवंदो न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन इनक्रीज़िंग ऑर्डर ऑफ increasing order of atomic weight and ji jeka arrangement hi uha increasing order te hui, increasing order cha jo increasing order of atomic weight te hui। increasing order asa chawanda ahyun ta tartib asa in hisab sa deun jo pehriyan ghat ware ke rakhun ऐं पोइ वधीक वारे खे रखूं, उनखे चइबो आहे इनक्रीज़िंग आर्डर। पर जेकॾहिं पहिरियां असां वधीक वारे खे रखूं ऐं पोइ घटि वारे खे रखूं त पोइ इनखे वरी चइबो आहे डिक्रीज़िंग आर्डर। अवां यादि कंदो त जेका न्यूलैंड जेका अरेंजमेंट ॾिनी उहा कहिड़े आर्डर ते हुई, आया उहा इनक्रीज़िंग आहे या डिक्रीज़िंग आहे, यादि करणो पवंदो त उहो इनक्रीज़िंग आर्डर आहे। उहो इनक्रीज़िंग आर्डर छा जो आहे, एटॉमिक वेट जो आहे। न्यूलैंड did not include noble gases, न्यूलैंड पंहिंजी टेबल में नोबल गैसिस हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन खे शामिल न कयो। वाय? बिकॉज दे वर
नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, छाकाणि त उहे उन टाइम ते अञा डिस्कवरी न थिया हुया। यादि कंदो त न्यूलैंड जी टेबल में नॉबल गैसेस शामिल न हुया। न्यूलैंड डिड नॉट इंक्लूड नॉबल गैसेस, छो बिकॉज दे वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, छाकाणि त तंहिं टाइम में नॉबल गैसेस अञा दरियाफ़्त ई न थिया हुया। हिन जो अञा बि हिकिड़ो डिसएडवांटेज आहे न्यूलैंड जो, त ही कुड नॉट इंक्लूड, कुड नॉट अकोमोडेट हेवियर एलिमेंट्स, जेके गरा एलिमेंट्स हुया जंहिंजो एटॉमिक मास वधीक हुयो, ही उन्हनि खे अकोमोडेट न करे सघियो हो। अच्छा, हिन जो एडवांटेज कहिड़ो आहे न्यूलैंड जो? अच्छा, हिकिड़ो या मां एडवांटेज लिखां थो, पोइ डिस्कस था कयूं इनखे वधीक। न्यूलैंड प्रोवाइडेड, न्यूलैंड्स लॉ प्रोवाइडेड बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बुनियादु रखण वारो ई माण्हू आहे। छा में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स। असांजो नेक्स्ट टॉपिक आहे लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, जंहिंजो बुनियादु आहे, बेस्ड आहे ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। हीअ अहम आहे ऐं यादि कंदो त लोथर मेयर जी जेको क्लासिफिकेशन आहे उनजो बुनियादु छा ते आहे, उनजो जेको बुनियादु आहे उहो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ते आहे। क्लासिफिकेशन में हीअ वाहिद साइंटिस्ट आहे जंहिं क्लासिफिकेशन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जे बुनियाद ते कई। हाणे असां चऊं था उनजे डेफिनेशन जे तरफ़, उनजे वज़ाहत जे तरफ़, त लोथर मेयर प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम्स अगेंस्ट एटॉमिक वेट, लोथर मेयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करण जी कोशिश कई जंहिंमें हिन एटॉमिक वॉल्यूम खे रखियो एटॉमिक वेट जे मुखालफत में। एंड ही ऑब्जर्व इट, ऐं हिन मुशाहिदो कयो, हिन ॾिठो देट त एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, माना उहे एलिमेंट्स जिन जा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हिकु जहिड़ा हुया, सेम हुया, ऑक्यूपाइड उहे वालारे रहिया हुया सिमिलर पोज़ीशन, साॻी जाइ इन द कर्व, कर्व में। अच्छा, हिन ॾिठो त जिन जा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर आहिनि, हिकु जहिड़ा आहिनि, उन्हनि जी जेका पोज़ीशन आहे ग्राफ में, कर्व में, उहा बि सिमिलर आहे, माना साॻी आहे। उहे एलिमेंट्स जिन जा हिकु जहिड़ा सिमिलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आहिनि, ग्राफ में उन्हनि जी पोज़ीशन बि सिमिलर, माना साॻी थिए पई। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन में हू ॿ एग्ज़ाम्पल ॾिए थो, हिकिड़ो डिस्कस करे थो अल्कली मेटल्स खे, जेके ग्रुप वन ए जा एलिमेंट्स आहिनि, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई पीक्स ऑफ द कर्व, पीक चइबो आहे चोटीअ खे, पीक्स ऑफ द कर्व, माना उहे कर्व जे टॉप ते हुया, कर्व जे पीक ते हुया। कहिड़ा एलिमेंट्स? अल्कली मेटल्स। एंड हेलोजन्स, सते ग्रुप वारनि एलिमेंट्स खे चइबो आहे हेलोजन्स,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एलिमेंट्स फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड्स उहे एलिमेंट्स जेके एसिडिक ऑक्साइड्स ठाहींदा क्या कंदो इनमें हैलोजन्स अहमा ऑक्यूपाई हैलोजन्स ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजिशन ऑफ द कर्व हैलोजन्स कहिड़ी पोजिशन ते हूंदा हैलोजन्स असेंडिंग पोजिशन ते हूंदा ऑफ द कर्व तो हिन में बिन ग्रुप्स जो डिस्कशन आहे हिकड़ो आहे अल्कली मेटल्स जिनकी पोजिशन कहिड़ी आहे उहे पीक ते हिन ऐं ॿियो आहे हैलोजन्स ऐं एसिडिक ऑक्साइड उन्हनि जी कहिड़ी पोजिशन आहे यादि कंदो असेंडिंग पोजिशन ऑफ द कर्व आहे हाणे हिनखे सम्झूं था लोथर मेयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ॾियण पियो चाहे जंहिंमें हीअ असांजी वाई एक्सिस आहे ऐं हीअ असांजी एक्स एक्सिस आहे जंहिंमें हू वाई एक्सिस ते प्लॉट करे थो वाई एक्सिस ते हू प्लॉट करे थो एटॉमिक वॉल्यूम खे एटम जे वॉल्यूम्स खे एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम खे रखंदो अगेंस्ट एटॉमिक वेट एक्स एक्सिस ते हिन एक्स एक्सिस ते हू रखे थो एलिमेंट्स जे एटॉमिक वेट खे ऐं ग्राफ ॾियण जी कोशिशि थो करे ग्राफ छाजे विच में थो ठाहे एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक वेट हाणे मां पढ़ांसि थो त लोथर मेयर प्लॉटेड रखियो वॉट एटॉमिक वॉल्यूम खे वाई एक्सिस ते अगेंस्ट एटॉमिक वेट उनखे रखी एक्स एक्सिस ते ऐं हू ॾिसे थो त उहे एलिमेंट जिन जा साॻा प्रॉपर्टीज़ आहिनि साॻा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आहिनि उनजी ग्राफ में पोज़ीशन बि सेम आहे लेट सपोज हितां खां हीअ असांजी कर्व आहे हीअ असांजी ॿी कर्व आहे हीअ टीं कर्व आहे हीअ अञा चोथीं कर्व आहे ही कर्व्स आहिनि जंहिंमें हीअ जेका पोज़ीशन आहे हीअ इन कर्व जी छा आहे इहा इन कर्व जी पीक आहे हीअ बि हिन कर्व जी पीक आहे हीअ बि हिन कर्व जी पीक आहे ही टॉप आहे चोटी आहे हिन जी पीक आहे हाणे हू ॾिसे थो त हिन पीक ते जेके एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कनि था पोज़ीशन उहे ॿिया कंहिं न आहिनि उन पीक ते जेके एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कनि था पोज़ीशन उहे अल्कली मेटल्स आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि अगरि हिन पीक ते लिथियम आहे त हिन पीक ते वरी सोडियम हिन पीक ते वरी पोटेशियम हिन पीक ते रोबीडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐं रोबीडियम जा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम आहिनि त कर्व में उनजी जेका पोज़ीशन आहे अगरि ही पीक ते आहे त ही बि पीक ते आहे त ही बि पीक ते आहे त कर्व में उनजी पोज़ीशन बि सेम थी बीहे अव्हांखे यादि करणो पवंदो त लोथर मेयर जे क्लासिफिकेशन में अल्कली मेटल्स कहिड़ी पोज़ीशन ते हुया पीक ते हुया हाणे ही हेठां खां जंहिं महिल मथे वञिबो त उनखे चइबो आहे असेंडिंग पोज़ीशन जॾहिं हेठां खां मथे वञूं पर मथां खां अगरि हेठि अचिजे त पोइ उनखे वरी चइबो आहे डिसेंडिंग पोज़ीशन हाणे जेके हैलोजन्स आहिनि हैलोजन्स कहिड़ा आहिनि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन्स कहिड़ी पोज़ीशन ते हुया हेठां खां मथे वञी रहिया आहियूं फ्लोरीन हेठां खां अञा मथे अगरि वञे हिते क्लोरीन हिते ब्रोमीन हाणे ही जेका पोज़ीशन आहे इन्हनि पोज़ीशन खे चइबो आहे त इहा कर्व जी असेंडिंग पोज़ीशन आहे लोथर मेयर ऑब्ज़र्व कयो त जेके हैलोजन्स आहिनि ऐं उहे एलिमेंट्स जेके एसिडिक ऑक्साइड ठाहिनि था कर्व में जेका उनजी पोज़ीशन आहे यादि कंदव उहा असेंडिंग पोज़ीशन आहे इनमें इहे ॿ अहम आहिनि त अल्कली मेटल्स पीक ते हूंदा हैलोजन्स असेंडिंग पोज़ीशन ते हूंदा हुन ग्राफ छाजे विच में ॾिनो आहे हुन ग्राफ ॾिनो आहे एटॉमिक वॉल्यूम ऐं एटॉमिक वेट जे विच में इन खां अलावा जेका लोथर मेयर जी जेका पॉइंट अव्हांखे यादि करणी आहे उहा आहे त लोथर मेयर इंक्लूडेड शामिल कया नंबर यादि करणो आहे 56 एलिमेंट्स 56 एलिमेंट्स इन हिज टेबल
हे अंग अहम त लोथर मेयर जी टेबल में पुछो विंदो आ त केतरा एलिमेंट्स शामिल होया याद कबो त लोथर मेयर इंक्लूडेड हाउ मेनी एलिमेंट्स 56 एलिमेंट्स इन हिज टेबल लोथर मेयर जी क्लासिफिकेशन के तहे टाइम में का भी तवज्जो का भी प्रॉपर अटेंशन न मिली उन जा ब सबब होया छाकाण त जे साल लोथर मेयर टेबल पब्लिश कई उन साल ई 1964-1969 जे विच में मेंडलीव बे पेरियोडिक टेबल सागे साल में ही पब्लिश कराई हुई मेंडलीव जे साल लोथर मेयर पांजी टेबल दिनी उन्हें साल ई मेंडलीव दिनी लोथर मेयर जी पेरियोडिक टेबल मेंडलीव जे पेरियोडिक टेबल जे मुकाबले में इनकम्प्लीट हुई कंप्लीट न हुई लोथर मेयर जी कंप्लीट न हुई आई नंबर बी वजह या हुई तो लोथर मेयर जी जेका क्लासिफिकेशन आ उन जो बुनियाद फिजिकल प्रॉपर्टीज दे हुयो जे जो क्लासिफिकेशन जे लाय को एम्पेरिकल या लॉजिकल बेसिस नथो ठहे पर उन जे मुकाबले में मेंडलीव जी जेका पेरियोडिक टेबल हुई उन जो बुनियाद पेरियोडिक लॉ ते हुयो ये ब एड़ा अहम सबब आहन जे जे करे लोथर मेयर जी क्लासिफिकेशन के का भी प्रॉपर अटेंशन न मिली सगी हाने असा चाहूं था मेंडलीव पेरियोडिक लॉ उन जे टेबल जे